बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत मुख्तलिफ़ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल 1 आमुल फ़ील बयान किया जाता है, लेकिन ज्यादातर उलमा का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईस्वी साल के मुताबिक ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त कमरी महीने यानी मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल वगैरह तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था। चूंकि इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था, लिहाजा किसी भी बच्चे की पैदाइश को बयान करने के लिए कहा जाता कि फलां वाकया के इतने अरसा बाद फलां बच्चा पैदा हुआ। आमुल फील का मतलब है हाथियों वाला साल। ये वो साल है जब यमन के बादशाह अबरहा ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे हुए अबाबीलों के लश्कर के हाथों अबरहा और उसके लश्कर की तबाही और बर्बादी हुई। उलमा के मुताबिक इस वाकया के 45 दिन बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हिजरी साल का आगाज किस तरह हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादियुस्सानी 17 हिजरी बरोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीख व सिन की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर और मारूफ थी। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख जुलियानी। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज़ हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से शुरू होनी चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया इस तरीका में ईसाइयों के साथ मुशाबहत बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, उस दिन से तारीख इस्लाम की इब्तदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबुवत का इब्तदाई जमाना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफी का जमाना था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से इब्तदा होनी चाहिए। हजरत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसा कुबरा और नुकसान अजीम था, इससे तारीख इस्लामी की इब्तदा मुनासिब नहीं। फिर हजरत उमर फारूक ने खुद फरमाया कि तारीख इस्लामी की इब्तदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हिजरत ही से हक व बातिल के दरमियान फर्क व इम्तियाज कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतूहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तदा किस महीने से हो। बाद ने कहा कि रमजान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जिस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रबीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तदा मुहर्रमुल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तदा मुहर्रमुल हराम से होना तय पा गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में एएच से जाहिर किया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। हुज़ूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हजरत अबू तालिब के ज़ेरे कफालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात दुनिया को दिखाए। फारस का आतशकदा जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी और फारसी उस आग की पूजा करते थे, वो अचानक बुझ गई। किसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 कुंगरे टूटकर जमीन पर गिर पड़े। दरियाए सावा जो सदियों से खुश्क पड़ा था उसमें पानी जारी हो गया और दरियाए समावा जिसमें हमेशा से पानी जारी था एक मरतबा उसमें पानी खुश्क हो गया। जितने भी दुनिया में बुतकदे थे उनमें मौजूद बुत मुंह के बल जमीन पर गिर गए और दुनिया में जितने भी बादशाहों के तख्त थे वो पाए टूटने की वजह से जमीन पर आकर गिर गए। जितने भी साहिर, जादूगर, काहिन और मुनज्जम थे उनका इल्म जवाब दे गया था। जुबान से गैब की खबरें बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे। खास तौर पर वो काहिन जिनके हमजाद आसमानों से उनके लिए खबरें लाते थे, उनकी और उनके हमजाद की मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया था। मक्के की सरजमीन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी इतनी दूर तक थी कि मक्के के लोगों ने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात का अपनी आंखों से जायजा लिया और सारी रात सितारे इस कसरत के साथ टूटकर गिरे कि लोग परेशान होकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आज की रात क्या वाकया पेश आया है। अम्र बिन उमैया जो एक मशहूर काहिन था, उससे लोगों ने पूछा कि ये सितारे मुसलसल क्यों टूट रहे हैं। उसने कहा वो मशहूर सितारे जिनकी मदद से लोग रास्ता मालूम करते हैं, गर्मी और सर्दी के हालात पता चलते हैं, जाकर देखो अगर वो सितारे टूटे हैं तो समझ लेना कि ये रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है, और अगर वो सितारे अपनी जगह पर बाकी हैं और दूसरे सितारे टूट रहे हैं तो समझ लेना कि आज दुनिया में कोई बहुत अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। जब लोगों ने देखा कि वो मशहूर सितारे अपनी जगह पर कायम हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि आज की रात कोई ना कोई अजीम वाकया पेश आया है। तारीख ये भी बताती है कि आसमान से मलाइका की टोलियां तस्बीह तकदीस के गीत गाती हुई जमीन की जानिब आ रही थीं। इन गैर मामूली वाकयात को देखकर जहां इंसान हैरान थे,
वहाँ शैतान भी परेशानी और हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूँ कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आछी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वो मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गारे हिरा है और जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकारे अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसलिए तुझे इस मकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि ऐ जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐ शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमना कहती हैं कि दौराने हमल मुझे कभी कोई गरानी या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि ये कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद ये मंजर देखकर घबरा गईं, अपनी जगह से उठीं कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अबू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वो बयान किया। हजरत अबू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया सातवें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूँ। जनाबी आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वो सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमिना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त चार औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्मे परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वो शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गईं और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है और जैसे ही वो सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुरख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि ये बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगीं, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन चार हूरों से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन चार हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन चार हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ऐ आमिना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पाको पाकीज़ा है, इसे गुसल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूर व सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुसल दे रहे हैं। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाको पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल व मीकाईल अलैहिस्सलाम अभी नहला के फारिग हुए थे, अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे दे जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अताअत करना है। एक लम्हे बाद वो बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहाँ से आया।
बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बआवाज़े बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतह नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफात की है, जो इसके साथ चलेगा वो नफा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो नुकसान उठाएगा, तीसरी चाबी नबुव्वत की चाबी है, बस नबुव्वत के सिलसिले को इसने कुफ्र लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं, उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि ये तुम्हारे आकाओ सरदार हैं, तुम्हें इसकी अताअत करना है। थोड़ी देर बाद वो बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चौकोर तश्त है और तीसरे के हाथ में एक सफेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल, और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करे। फिर वो 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तश्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तश्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खाना काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तश्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मरतबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली, उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहर नबुव्वत वहां पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि ये रिजवान जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वो तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे आमना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्मे परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अबू कुबैस पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खैमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त हमने आसमान पर अजीबोगरीब वाकयात का मुशाहिदा किया था, मगर अब तो हमारे ही शहर में ये किंदील कहाँ से आई, काबे के दरवाजे पर लटकने वाला इतना खूबसूरत झालर कहाँ से आया, ये खूबसूरत झंडे कौन लगा गया। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर के सहन में याकूत सुर्ख का खैमा देखा तो अक्सर सरदारा ने मक्का के दिल में हसद की आग भड़क उठी कि जो चीज है वो अब्दुल मुत्तलिब को ही मिल रही है, जो नेमत भी है उन्हीं को मिल रही है, तो वो दुश्मनी का सिलसिला जो चाहे जमजम खोते वक्त शुरू हुआ था वो मजीद बढ़ गया। गर्ज ये कि जब रात खत्म हुई और रसूल खुदा की विलादत हो चुकी थी, सारा मक्का जगमगा रहा था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने मकान में ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहू आमिना की तरफ से मुझे क्या पैगाम मिलता है। दूसरी तरफ सारा मक्का काबे के बाहर जमा है, एक यहूदी आलिम खाना खुदा के बाहर बेचैनी और बेकरारी के आलम में टहल रहा है और एक एक से सवाल कर रहा है कि क्या कल तुम्हारे यहाँ तो किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं कि इस सवाल का मकसद क्या है। उसने कहा कि मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो बस बनी इसराइल से पैगंबरी खत्म हो गई है, यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी है, मुझे परेशानी इसी बात की है। वो बेचैनी से टहल रहा है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए जलील होने वाला है, पैगंबरी हम में से खत्म होने वाली है, बार बार आता है और हर एक से सवाल करता है कि खुदा के लिए बता दो तुम में से किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई। हर एक नाम में जवाब देता है, आखिर में घबरा के कहता है कि कोई यहाँ आने से बाकी तो नहीं बचा। लोगों ने कहा कि इंतजार करो, अभी सरदार मक्का आने वाले हैं, जब वो आए तो उनसे सवाल करना, बाकी सब तो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहूदी आलिम को पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। बेचैन होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहता है कि एक मर्तबा मैं उस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वो पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस आलम की बेचैनी को देखते हुए पैगम्बर इस्लाम को एक गहवारे में लेके आते हैं। यहूदी आलम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बे इख्तियार चीख मारी कि यही वो बच्चा है कि जिसके बाद बनी इसराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इसराइल से नबुव्वत खत्म हो गई, यही वो बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्के वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देके जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वो उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देके जाता है, कोई पेशीन गोई करके जा रहा है, लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि ये कैसा बच्चा है। मक्के की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए मगर इस तरह तो किसी को एजाज नहीं मिला। ये इब्तदा ही से पैदा होने वाला हसद आगे जाकर मजहबी मुखालफत में बदला।
यहूदी आलिम बे इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं, उन्होंने जब ये जुमला सुना तो फौरन पैगम्बर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। चार दिन तक पैगम्बर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफा उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम अज कम खानदान बनू हाशिम के मुखालिफीन इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। ये सवाद इब्ने कारिब तो मक्के में ज्यादा एहतराम का मुकाम रखते हैं, अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमाए आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कारिब बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, ये बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। वे इख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ, मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनू हाशिम के अलावा पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारिब की है। ये वाकया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चौथे दिन का है। सातवें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का अकीका करते हैं और सारे मक्के वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना को पहले ही पैगम्बर खुदा के नाम की बशारत हो चुकी थी। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब की सरजमीन पर यह नाम नया था, आज तक किसी ने यह नाम नहीं रखा था। इसके लफ्जी मानी है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ये आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख में पहले किसी ने नहीं रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका ये नाम रखा है। यहूदी काहिन जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुज़ूर अकरम की पैदाइश की रात पेश आने वाले वाकयात देख चुके थे, इसलिए वो इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए थे और सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। इन हालात के पेश नज़र रब करीम की मसलहत ये थी कि पैगम्बर इस्लाम कुछ अरसा के लिए मक्का की सरजमीन से गैबत में चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। पैगम्बर इस्लाम बड़ी तेजी से निशोनुमा पा रहे हैं। रिवायत ये है कि पैगम्बर इस्लाम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 15 माह की उम्र में आप तीर अंदाजी करने लगे थे और 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में पैगम्बर इस्लाम नौजवानों से कुश्ती लड़ते थे और उन्हें शिकस्त दिया करते थे। इतनी तेजी से होने वाली निशोनुमा एक तरफ तो एजाज़ नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा, चुनाचे अगर पैगम्बर इस्लाम पर उसकी निगाह पड़े तो शायद वो नजरअंदाज कर जाए। इसके साथ साथ ऐसे वाकयात भी पेश आ रहे हैं कि ना जनाबे आमिना को कोई काम करना पड़ता है, ना जनाबे हलीमा को कोई काम करना पड़ता है और ना दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई काम करना पड़ रहा है। जब जनाबे आमिना की निगरानी में रसूल रहे तो वो हैरान है और जब बीबी हलीमा की निगरानी में रहे तो वो हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सो के उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है और जब ये सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा और हशाश पशाश होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहना के चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहाँ पर पैगम्बर इस्लाम की वजह से रिस्क पहुँचा, घर वालों के खाने से पैगम्बर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया। तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वो हैरान है कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता के जब बचपने की वो उम्र थी कि जब आमतौर पर कुदरती जरूरियात की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है, जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती हैं वो जो जरूरी हाजतें हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गर्ज ये कि सारे के सारे काम परवरदिगार आलम की मसलहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का ग्रोह मुसलसल हुज़ूर अकरम की तलाश में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज़े नबूवत भी मिले हैं, उनमें ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगम्बर इस्लाम को मक्के से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते हैं, खासतौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के ग्रोह आते हैं और मक्के के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे इसके बारे में आपको बताता चलूं। दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले से ही पैगम्बर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्द मुनाफ पे हमला हुआ, जनाबे हाशिम पे हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे हमला हुआ, जनाबे अब्दुल्ला पे हमला हुआ, मुसलसल ये हमले हुए
रिवायत में है कि जब जनाबे अब्दुल्ला की जवानी का जमाना आया था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह उन्हें खत्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाबे अब्दुल्ला पैगम्बर इस्लाम के वालिद हैं, और ये पहचान हजरत यहया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाबे अब्दुल्ला की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्ला को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनाचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो हमला भी नाकाम हुआ और उसी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्ला की शादी जनाबे आमिना से हुई। अब जनाबे आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाबे अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीने जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनाचे रिवायात से पता चलता है कि मदीना में जनाबे अब्दुल्ला पे हमला हुआ और जहर के जरिए जनाबे अब्दुल्ला को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगम्बर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि ये बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर ये पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना, ये लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहाँ आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया जब पता चला कि वो लावारिस थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनाचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीने गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो खतरा टल गया है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वो खून सूख गया है, जिससे ये यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमाइन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती ये हुई कि ये तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए, ये तो पता चला लिया कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर ये मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना हामला हों और कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। ये देखकर मुतमाइन होकर घर चले गए कि अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबोगरीब वाकयात पेश आए, आवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी उलमा परेशान होकर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि ये सारे वाकयात उस जमाने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर ये क्या हुआ, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया, क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हजरत यहया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं, ये भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान हैं क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होंगे और ये अजीबोगरीब वाकयात पेश आएंगे। अब हैरान है कि अब्दुल्ला के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करे। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्के से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि मक्के में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाबे अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाबे आमना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनाचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं, खासतौर पर खानदान बनू हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई ग्रोह किसी से सवाल नहीं कर सकता, अब पूछ किसी से नहीं सकते, एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं, खाना काबा में देखते हैं, बाप की गोदों में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए, अब आ रहे हैं जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही है क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो उस वक्त मक्के से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर मक्के मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्के आया हुआ था। उसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहा है। ये जिस दरख्त के करीब से गुजरता है, दरख्त की शाख एक मरतबा झुक जाती है। ये जिस पत्थर के करीब जाता है, पत्थर कलाम करने लगता है। ये जिस तरफ जाए, रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद बखुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं, लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के इस ग्रोह ने अपने उलमा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो इसे कत्ल कर दो। यहूदियों को ये तो पता चल गया कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ, अब्दुल्लाह का बेटा है, लेकिन अभी दिल में एक खटक है कि जिस तरह हम पहले गलती कर गए थे और इस बच्चे के वालिद को कत्ल करने और इसके यहाँ औलाद के ना होने का पता करके मुतमईन हो गए थे और जश्न मना लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि हम धोखा खा गए हैं। अभी भी ऐसा ना हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके चले जाएं और हम मुतमईन हो जाएं और 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए यहूदी इस दफा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुकमाए हराम उसके हल्क से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हल्क तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता।
हराम के अलावा रिज्क मुश्तबे यानी ऐसा रिज्क जिसका पता ना हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठ को नहीं छू सकता। चनाचे उन्होंने एक बड़ा अजीब मंसूबा बनाया। मक्के में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बनाया हुआ था और वो मुर्गियों के अंडे बेच के गुजारा किया करती थी, और जो मुर्गी अंडे देने के काबिल ना रहती उसे वो ज़िबा करने के लिए बेचा करती थी। यहूदियों ने सोचा कि ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसे हमें यकीन हो सकता है। चुनाचे रात के वक्त जुबैदा के घर में नकब लगाकर कुछ मुर्गियां चोरी करके लाए, और जो मुर्गियां चुरा कर लाए उनके बारे में दो नीयतें की। कुछ मुर्गियां चोरी की नीयत से चुराई और कुछ के बारे में सोचा कि हम बाद में इनकी कीमत जुबैदा को अदा कर देंगे। अब जो चोरी की नीयत से ली वो तो रिज़्क़े हराम हो गया, जो इस नीयत से ली के बाद में पैसे दे देंगे ये रिज़्क़े मुश्तबे हो गया, क्योंकि पता नहीं जुबैदा राजी हो कि ना हो। खुद से दिल में फैसला करके किसी की चीज उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर ना हो तो मुश्तबे जरूर है। अगले दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी गई कि आप मक्का के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली हैं, एक काबिले एहतराम शख्सियत हैं। हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे बल्कि खानदान बनू हाशिम के सारे मर्द आएंगे, खासतौर पर आपके सब बेटे और पोते जरूर आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो दिल की हो गई। चुनाचे खाने का इंतजाम किया गया। अब यहूदियों ने ये जहन में रखा कि ये हराम वाली मुर्गी है, ये मुश्तबे वाली मुर्गी है। दस्तरखान लगा दिया गया। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ए रईस मक्का, दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। कहा कि नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाते। अब यहूदियों को तो चाहिए ही ये था, सारी तवज्जो रसूल की तरफ हो गई। रसूलुल्लाह से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा जवाब देते हैं कि नहीं, ये रिस्क हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर की बात हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हैरान होकर कहा कि ये कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया हाँ ये खाना हमारे लिए नहीं है। कहने लगे कि हमें इजाजत दीजिए, हम आपको खाना खिलाएंगे, देखते हैं कि ये खाना कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर मुस्कुरा कर कहते हैं कि ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ निवाला बना के पैगंबर इस्लाम की जानिब बढ़ाया, मगर अजीब बात यह है कि जैसे ही वो निवाला हजूर के होंठों के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के खोल दिया हो, और निवाला दस्तरखान पर गिर पड़ा। एक मर्तबा, दो मर्तबा, हत्ता के 10 मर्तबा कोशिश की गई, मगर ये निवाला पैगंबर के होंठों से मस ना हो सका। करीब पहुंच जाता है लेकिन हाथ खुलता है और नीचे गिर जाता है। यहूदी बज़ाहिर तो परेशान है लेकिन दिल में खुश है कि आधी अलामत तो पूरी हो गई, ये हराम वाला खाना था। अब मुश्तबे खाना लेके आते हैं, फिर पैगंबर से कहा कि आगाज कीजिए। पैगंबर उसी इत्मीनान से जवाब देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। यहूदी कहते हैं कि हम खिलाएं। पैगंबर ने कहा चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर के होंठ के करीब ले जाता है तो वो या दाएं निकल जाता है या बाएं निकल जाता है, लेकिन होंठ के करीब नहीं जाता। यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि हमने तो खलूस से दावत दी थी लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या खुदाई राज है इसमें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम समझ गए कि क्या बात है, लेकिन कहने का मौका नहीं है। खानदान बनू हाशिम अपने घर वापस चला गया और यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक है। चुनाचे इसके बाद फिर साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह है कि इस वाक्य के बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम की और ज्यादा हिफाजत करने लगे थे, और अपने सारे बेटों से कह दिया था कि अब यहूदियों की सारी दुश्मनी का निशाना मेरा पोता होगा, तुम लोग घर के किसी काम से इसको बाहर ना भेजना। इससे पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब भेड़ बकरियां और ऊंट चराने के लिए पैगंबर इस्लाम को बाहर भेज देते थे, लेकिन आज ये हुक्म जारी हो गया कि खबरदार, आज के बाद कोई मेरे पोते को घर से बाहर ना भेजे। यही वजह है कि इस वाक्य के एक साल बाद जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब आया तो अपने सारे बेटों को बुलाया और नसीहत की कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अपने बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी सारी नसीहत मेरे पोते के बारे में है कि अपनी जाने देकर भी इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौका पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल अकरम की बचपन की जिंदगी पर। मुअर्रिखीन इस्लाम में इस मसले में इख्तलाफ है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद इब्तदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सोबिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। ये सोबिया पैगंबर इस्लाम के एक चचा अबू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अबू लहब ने फकत इस खुशी में कि उस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था आजाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अबू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबर इस्लाम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान बनू उमैया में शादी के बाद अबू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरत आमिना ने ही पिलाया था। इसके बाद पैगंबर को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायत में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया उस वक्त वो दीन इब्राहिमी पर थीं, और उस वक्त दीन इब्राहिमी ही बरहक दीन था, चुनाचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कि कोई ये एतराज नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का एक साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था।
बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्के वाले भी परेशान थे, मक्के के बाहर वाले भी परेशान थे, मगर जिस साल पैगम्बर इस्लाम की विलादत हुई मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया। लेकिन मक्के के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्के आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी जमाने में मक्के में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खासतौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। तो ये दो सबब पैगम्बर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगम्बर अकरम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबतों परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात कि मक्के के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्के आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगम्बर इस्लाम को मक्के से मुंतकिल किया जाए उतना ही ज़ाहरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रखकर भी पैगम्बर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गैबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलहत है। सातवें दिन पैगम्बर इस्लाम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमिना जो पैगम्बर इस्लाम की वालिदा हैं और दीन इब्राहिमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है, ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के आठवें दिन पैगम्बर इस्लाम को मक्के से मुंतकिल करना है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्के से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये तरीका था कि साल में दो दफा मौसम बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम खजा में यानी गर्मी के फौरन बाद जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्के में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी और जो उजर तय पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के जमाने में तो और ज्यादा औरतें आ रही थीं। आठवें दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्के के बाजारों में गलियों में और जहां ये औरतें जमा होती हैं वहां जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम गया, उधर जनाब आमिना की कनीज आती है और कहती है कि हमारी मलका आमिना ने ये दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें एक दफा उसे मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मक्के से कुछ फासले पर कबीला बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था, इसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में दो दफा मक्के जाते थे और जाने के बाद वहाँ के साहिबाने दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचे हमारा काफिला निकला, सारा कबीला एक साथ चल रहा है, पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वो एक गधी थी और बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा के कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई जुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्के जाएं और पैसे लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा मेरा मसला ये था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं, अपनी गिजा के लिए फकत एक ऊँटनी थी, उसका दूध निकाल के हम लोग पिया करते थे, मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे वो हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ ये हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। गिजा भी कम मिल रही है, वैसे भी जनाबे हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं, नतीजा क्या होगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्के में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फिक्र है और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर गिजा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मैं इंतहाई परेशान थी जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्के में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्के के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिब हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान कि क्या करूं। यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज़ आई जो ये कहते हुए मक्के की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले ले। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम है, मक्के के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज़ लगाना पड़ रही है फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा।
अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, ये यतीम है। और जब बाप नहीं तो हमें ये तवक्को नहीं कि इस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफा पहुंचेगा, इसलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा वो हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि ये बात मेरी समझ में भी आ गई, इसलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहाँ पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई। और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ ये कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनाचे मैं परेशान होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई, कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और सआदत भी है, ये दो ऐसी खूबियां हैं कि ये किसी को भी मिल जाएं वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमिना से मुलाकात करो, अगर वो भी राजी हो जाएं तो फिर ये मामला तय पाता है। अब कनीज के साथ हलीमा सादिया जनाब आमिना के पास तशरीफ ले जाती हैं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गईं। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुईं दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहाँ पे बादल नाम को नहीं होता है हर वक्त रोशनी ही रोशनी, लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटके किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाबे आमिना मुस्कुरा कर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है, ये जिस वक्त से इस कमरे में आया है हर वक्त ये कमरा रोशन रहता है। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि आई तो थी बड़े बुझे दिल के साथ, कोई नहीं मिल रहा इसलिए लेने आई, मगर ये जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पे निगाह पड़ी तो खुद ब खुद एक मोहब्बत दिल में पैदा हुई। जनाबे आमिना ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हलीमा सादिया। जनाबे आमिना ने कहा कि बेशक मुझे इसी की तलाश थी, अब ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द है, इसकी हिफाजत करना। जनाबे हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आईं, फिर उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं। पैगम्बर इस्लाम के दादा ने कहा, ए हलीमा इसे लेके तो जा रही हो, मगर एक चीज हम तुम्हें बता दें कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम इस बच्चे के साथ किसी अजीबोगरीब वाकये को देखो, कोई नई चीज तुम्हें नजर आए तो हैरत ज़दा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहाँ से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद अगर ये खबरें फैलने लगी कि इस बच्चे की क्या बरकतें हैं तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। खास वादा लिया, बल्कि कहा कि अगर तुम चाहो मैं अपने मोहल्ले में खुफिया मकान तुम्हें दे दूं। हलीमा सादिया कहती हैं कि नहीं, अपने खानदान और अपने कबीले को छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर बात तय पा गई और जनाब हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम को साथ लेकर चली और अपने कबीले के पास पहुंची। काफिला फकत उनका इंतजार कर रहा है और बाकी सारी औरतों का मामला तय पा चुका है, हर एक को पहले ही बच्चे मिल चुके थे। चुनाचे जैसे ही ये पहुंची काफिला खड़ा हुआ और हरकत करने लगा, मगर अब जो काफिला हरकत कर रहा है तो सब हैरान थे। आते वक्त हलीमा सादिया को देखकर सब परेशान थे, जाते वक्त हलीमा को देखकर सब हैरान हैं कि उनकी सवारी वो गधी जो बीमारी के आलम में थी और चला नहीं जा रहा था, अब वापसी पे इतनी तेज रफ्तारी से चल रही है कि तेज तरीन घोड़ा भी इस रफ्तार से नहीं चलता। हलीमा सादिया के लिए अपने जानवर को रोकना एक मसला हो रहा है, कहां वो मंजिल के चलाना मसला हो रहा था, दो कदम चल के जानवर रुक जाता था और कहां ये मंजिल के रोकना मुश्किल हो रहा है। हलीमा सादिया ये देखकर हैरानो परेशान कि ये थोड़ी सी देर में क्या मौजजा पेश आ गया, और फिर जब दोपहर के वक्त खाने का वक्त आया तो ये देखकर हैरान हो गईं कि मेरी ऊँटनी जिसके थनों में इतना दूध नहीं आता था कि एक आदमी पेट भर के उसे पी सके, इस वक्त इतना दूध है कि सारे कबीले में पेश किया जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, ये क्या अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत अब समझ में आने लगी कि खबरदार कोई भी अजीबोगरीब वाकया पेश आए तो किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा, बच्चे के दुश्मन ज्यादा हैं। जनाब हलीमा चल रही हैं मगर अभी तक फैसला नहीं कर पा रही हैं कि इन वाकयात का मतलब क्या है। फिर काफिला थोड़ी दूर गया था कि हलीमा सादिया को परवरदिगार की जानिब से बताया गया कि क्या वाकया पेश आ रहा है। हलीमा सादिया इतनी भी हैरान ना हो कि घबरा कर इस बच्चे को हाथ से छोड़ दे। जनाब हलीमा काफिले से थोड़ा आगे हैं, करीब से हिरनों का एक गौल दौड़ता हुआ निकला और उनको देख के रुक गया। ये बात हिरन की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि हिरन इंसानों को देखकर भागता है। उनमें से एक हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, ए हलीमा सादिया जिस बच्चे को ले जा रही हो इंतहाई बाबरकत खुशकिस्मत बच्चा है, कायनात का सरदार बनने वाला है, हिफाजत के साथ ले जाना, इज्जत व एहतराम के साथ इसकी परवरिश करना, ये कहकर हिरन गायब हो गए। हलीमा सादिया हिरन की जुबान से इंसानी आवाज में इस बच्चे के बारे में गुफ्तगू सुन के चौंकी और वही जवाब हिरन ने दिया जो सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था कि ये क्या अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। थोड़ी दूर काफिला और गया, जनाबे हलीमा का जानवर फिर आगे बढ़ गया कि अब करीब ही एक पहाड़ की गार से एक इंतहाई मुकद्दस और नूरानी शक्ल सूरत का शख्स निकल के आया। बच्चे पर निगाह पड़ी, बे इख्तियार जमीन पर गिरकर सजदाए शुक्र अदा किया, कहा कि ए हलीमा सादिया
तुम इंतहाई खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी गोद में परवरदिगार आलम की इंतहाई कीमती अमानत दी गई है, इसकी पूरी हिफाजत और एहतराम करना। ये कहकर वो शख्स वापस चला गया। जनाब हलीमा का जानवर जहाँ काफिले से आगे बढ़ता है, कोई ना कोई मौजजा पेश आ जाता है। कभी जानवर ने बोला, कभी कोई बुजुर्ग आ गए, कभी दरख्त की शाखें झुकी, कभी आसमान से बादल की आवाज आई। गर्ज ये के पूरे रास्ते में मुशाहिदा किया कि कुदरत की जितनी निशानियां हैं वो इस बच्चे के बारे में पैगाम देती जा रही हैं। जनाबे हलीमा सादिया को जनाबे आमिना के घर में इस बच्चे को देखकर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई थी, तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पैसे मिले ना मिले, बच्चे को मुझे लेकर जाना है। ये जो वाकया देखे तो मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। फिर जो वाकया पेश आया उसकी वजह से जनाबे हलीमा सादिया इस बच्चे से और ज्यादा मोहब्बत कर रही है। माँ होने के नाते जनाबे हलीमा सादिया के लिए एक मुश्किल मरहला था, मगर इस मरहले से बहरहाल गुजरना तो था कि जनाबे हलीमा का एक सीना बिल्कुल सूखा हुआ है और दूसरे में इतना कम दूध है कि अपना बच्चा पेट भरकर नहीं पी सकता। अब ये बच्चा तो उजरत पे लेके आई है, अपने बच्चे को भूखा रख के या जानवरों का दूध पिला के गुजारा करना है, मगर इस लाने वाले बच्चे को अपना दूध पिलाना है। ये परेशानी तो है माँ के जहन में कि किस तरीके से मैं इस मंजिल से गुजरूंगी। मगर उस वक्त ये देखकर मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई कि जब ये बच्चा आया, हलीमा सादिया का एहसान नहीं लिया, हलीमा सादिया पर एहसान किया है कि जब दूध पिलाने का वक्त आया, हलीमा सादिया ने यह चाहा कि अपने बाएं सीने से दूध पिलाएं, मगर बच्चे ने मुंह फेर लिया, दाएं सीने की जानिब रुख किया, कई मरतबा कोशिश की। जब ये देखा कि बच्चा नहीं मान रहा तो एक मरतबा बच्चे को मुखातिब किया, जिस तरह नासमझ बच्चे से आदमी गुफ्तगू करता है। कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें यहाँ से पेट भरने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही उस बच्चे ने सीधे सीने को मुंह में लिया, उसमें से दूध जारी हो गया, और इतनी कसरत से दूध जारी हुआ कि दूसरे सीने से भी हलीमा सादिया का अपना बच्चा, जो आज तक भूखा चला आ रहा था, आज पेट भर के दूध पी रहा है। जनाबे हलीमा सादिया ने बच्चे को हाथ पे लिया। कितना बाबरकत बच्चा है कि आया तो अपनी गिज़ा खुद लेके आया और मेरे बच्चे के दूध में कमी नहीं होने दी, बल्कि उसे और भी ज्यादा दूध मुहैया कर दिया। परवरदिगार की सुन्नत है कि अपने हबीब पर किसी का एहसान नहीं होने देना है, बल्कि हबीब की वजह से दूसरों पर एहसान होना है। इस मसले पर उलमा ने यह बात भी कही है कि बेशक पैगंबर इस्लाम ने हजरत हलीमा सादिया के सीने से दूध पिया, लेकिन दरअसल उसका इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि उस सीने में दूध जारी हुआ जो सूखा हुआ था। चुनांचे अल्लाह ताला ने जनाबे हलीमा के सीने को एक बर्तन करा दिया और पैगंबर इस्लाम को पिलाया जाने वाला दूध उनके जिस्म का जुज्व नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी किया गया था। इस बात से वो एतराज भी खत्म हो गया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से हो सकता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में फिरौन के महल में पहुंचे थे तो आप पर सबका दूध हराम किया गया था और उनकी वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया था, और ये तो अंबिया के सरदार हैं, इन्हें क्यों गैर औरत का दूध पिलाया गया। सफर तमाम हुआ और जनाबे हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची। तारीख में लिखा है कि जब बच्चे को घर में लिटाया गया तो जनाबे हलीमा की सवारी वो गधी तीन मरतबा बिस्तर रसूल के गिर्द तवाफ करती है और फिर पेशानी को जमीन पे रखकर इंसानी आवाज में कहती है कि ऐ सरदारे अंबिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपकी वजह से मेरी बीमारी खत्म हो गई। हलीमा सादिया फिर चौंकी, फिर एक मौजजा देखा कि अब समझ में आया कि ये जात इस जानवर की बीमारी खत्म करने का सबब बनी थी। और फिर तो ऐसे वाकयात, ऐसे मुशाहिदात मुसलसल पेश आते रहे कि हलीमा सादिया हैरान होकर सोच रही थी कि जिस बच्चे को मैं बादिले नखास्ता और मजबूरन लेने गई थी, वो मेरे लिए कितना बाबरकत साबित हुआ। ये बात जहन में रहे कि पैगंबर इस्लाम उस वक्त हलीमा सादिया के घर तशरीफ लाए थे जब उनके पूरे कबीले में कहत था। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम मक्के से उजरत में पैसे नहीं गल्ला लेके आए थे, तो कहत में इंसानों के लिए खुराक मुश्किल थी तो जानवरों को क्या खिला सकते थे, मगर फिर भी अपने जानवरों को अपने हाथ से तो नहीं मार सकते, रोजाना सुबह को अपने जानवरों को कबीले के चारों तरफ चरने के लिए भेज देते हैं, और अजीब बात यह है कि सारे कबीले के जानवर भूखे वापस आ रहे हैं। अगर किसी को खुराक मिल भी गई तो फकत इतनी के मरने ना पाए, मगर भूखे रह जाते हैं, रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं, और मेरे जानवर इन्हीं जानवरों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो जब वापस आते हैं पेट भरे हुए आते हैं, जिस्म फरबा से फरबा होता जा रहा है। सारा कबीला हैरान है कि सारे जानवर एक साथ ही एक जगह पे जा रहे हैं, लेकिन सारे कबीले के जानवर कमजोर होते जा रहे हैं, और हलीमा सादिया के जानवरों के साथ इतनी बरकत। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि जब ये बच्चा मेरे घर में आया, उस वक्त मेरे घर में भेड़ बकरियां, ऊंट और बाकी जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे, और जब 5 साल बाद ये बच्चा हमारे घर से गया तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम उस घर में जितना अरसा रहे एहसान नहीं लिया, बल्कि हलीमा सादिया और उनके कबीले पर एहसान किया है। जनाबे हलीमा मजीद कहती हैं कि मुझे इस बच्चे का कोई काम सर अंजाम ना देना पड़ा। जब कभी मैं इरादा करती कि आज इसके बालों में कंघी करूं और मैं ये देखती कि इसके बालों में कंघी हो चुकी है, जब इरादा करती कि इसका चेहरा धोऊं तो देखती कि इसका चेहरा पहले से धुला होता, जब कभी ये इरादा करती कि आज इसका लिबास बदलना है तो लिबास पहले से बदला हुआ होता, मैं हैरान हुआ करती कि ये सारे काम कौन अंजाम दे के जाता है, कौन है, किस वक्त आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और मसला फकत हलीमा सादिया के घर तक नहीं, हलीमा सादिया को तो बरकत मिली ही, मगर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि उन 5 सालों में यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पता तो चले बच्चा गया तो गया कहाँ, मगर उन्हें जरा बराबर भी खबर ना मिल सकी, फकत इसलिए कि हलीमा सादिया का सारा कबीला पैगंबर इस्लाम पे जान छिड़कता है, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है। और सबब यह है कि जनाबे हलीमा कहती हैं कि पहले दिन मैं इस बच्चे को लेकर अपने कबीले के उस दरख्त के पास गई जो सूखा हुआ था, मैं इस बच्चे को लेकर उस दरख्त के नीचे बैठी
और हमने देखा कि खुद ब खुद उस दरख्त पे पत्ते आ गए, सरसब्ज़ शादाब हो गया और फल लग गए। और फकत दरख्त का मसला नहीं है, जिसके घर में इस बच्चे को लेकर जाऊं वो घर खुशहाल हो जाता है। जो इस बच्चे के करीब आ जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यहाँ तक कि हमारे कबीले की जो सबसे गरीब औरत थी, इतनी गरीब थी कि उसका लकब पड़ गया उम्मुल मसाकीन, सारे मिस्कीनों की माँ, यानी सबसे गरीब और फकीर औरत। सिर्फ एक मरतबा वो मेरे घर में कुछ मांगने आई। मेरे घर से जब उसे कुछ ना मिल सका और वो जाने लगी तो चलते चलते उसकी निगाह इस बच्चे पर पड़ गई। चौदहवीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा चमक रहा है। खुद ब खुद वो आगे बढ़ी और पैगंबर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया। एक अरसा नहीं गुजरा था कि वो हमारे कबीले की मालदार तरीन औरतों में शुमार होने लगी। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये तब्दीली किस वजह से आई है। चुनाचे अब वो सुबह शाम आती है और इस बच्चे के तलवे अपनी आंखों से मलती है। तो अब पूरा कबीला किसी न किसी तरह पैगंबर इस्लाम से इस्तफादा कर रहा है और सारे कबीले की बरकतें बढ़ती जा रही हैं और सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अजीबोगरीब बातें देख रहे हैं मगर किसी को नहीं बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम दरख्त के करीब से गुजरे तो अगर सूखा हुआ दरख्त है तो वो सरसब्ज़ शादाब हो जाए, सरसब्ज़ शादाब दरख्त है तो उसके सब्जे में और इजाफा हो जाए। किसी नहर के करीब से गुजरे, अगर सूखी नहर है तो पानी जारी हो जाए, अगर पानी जारी है तो पानी की मकदार बढ़ जाए। जिसके खेत के करीब से गुजरे उसकी फसल कई गुना बढ़ जाए। इसके साथ साथ उनके जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है और अरब में उस वक्त जानवरों को सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था। मगर जहाँ जानवरों की तादाद ज्यादा हो रही है वहाँ पर उनके दुश्मन भी ज्यादा होते जा रहे हैं। चुनाचे अरब के सहरा में भेड़िये बड़ी कसरत के साथ थे और हर कबीले का मसला ये होता था कि अपने जानवरों को भेड़िये से कैसे बचाया जाए। पैगंबर इस्लाम के आने से इंसानों को तो बरकतें मिली मगर किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुँच सकता है। इब्तदा में बाज़ जानवर इस कबीले के कुछ जानवर उठाकर ले गए थे मगर बाद में जब पैगंबर इस्लाम ने दुआ की तो उन जानवरों को खुद वो बकरियां लाकर वापस करना पड़ी। चुनाचे इस कबीले के लिए सबसे इत्मीनान की बात यही थी कि पैगंबर इस्लाम के वजूद की वजह से हमारे जानवर भी महफूज हो गए। ये तमाम मनाजर देखकर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है और पैगंबर इस्लाम तो गोया अब इस कबीले के सरदार बन गए। इन पैगंबर इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं क्योंकि दूध के जरिए भी वो सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के जरिए होते हैं, इसलिए हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम की माँ करार पाई। शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहराओं में घूमना पड़ता है। ये आप कैसी ना इंसाफी कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाबे हलीमा सादिया मना करती हैं कि बेटा तुम में और उनमें फर्क है, लेकिन पैगंबर इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे, मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा क्योंकि फकत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है, सारा कबीला एहतराम करता है। अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया कि हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया तुम उसे ही अपने घर के काम के लिए भेज रही हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। मगर पैगंबर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से पैगंबर इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी की हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मरतबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो वो ये देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतरकर आए, हमारे भाई के करीब आए, बाघों से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए, माँ से कहा गजब हो गया, जो हमारे भाई हैं जिन्हें आप मक्का से लेके आई हैं, पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ये पेशीन गोई याद है कि देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। घबरा गईं, सारे कबीले में फरियाद की, कबीले के मर्दोजन दौड़ते हुए आए, उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहाँ का इशारा किया था, तो ये देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वो बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पे ताज है, जिस्म पे शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे हुए जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हुजूम को आते हुए देखा, एक लम्हे में वो लोग गायब हो गए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए, जनाबे हलीमा सादिया से कहा कि मादरे ग्रामी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार आलम की जानिब से ये मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं, इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी तीन मरतबा पैगंबर इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। दो साल का अरसा गुजर जाने के बाद हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेकर उनके दादा से मिलाने आती हैं। अभी मक्के के करीब पहुंची थीं, किसी काम के सिलसिले में खैमे से बाहर आती हैं। यकायक अंधेरा सा छाया और फिर हलीमा सादिया वापस जो आई तो ये देखा कि बच्चा गायब है। हलीमा सादिया तो परेशान हो गईं मगर वहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना खुदा के करीब बैठे हैं, मसरत बिछी हुई है। यकायक कान में आवाज आई कि आपका पोता जो हलीमा के पास था वहाँ से खो गया है। बस इतना सुनना था कि बेचैन होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो गए, तलवार को नियाम से निकाला, काबे के पर्दे को थामा और आवाज दी कि अगर मेरा बच्चा ना मिला तो मैं 1,000 अरबों और 100 कुरैशियों को कत्ल करूंगा। फिर पर्दा पकड़ के कहते हैं, परवरदिगारा मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक एक और आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है।
और मक्के के करीब फलां सहरा के फलां मुकाम पर जाओ, वहां तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नंगी तलवार लेके सवारी का जानवर मंगवा चुके हैं, इस पर सवार होकर चले और मुकर्रा मकाम पर पहुंचे और ये देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है लेकिन उसमें ताज़ा खजूरें लटक रही हैं। पैगंबरे इस्लाम उन खजूरों को तोड़ के खा रहे हैं और दाएं बाएं दो इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुंचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद तो जानते हैं लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजराए नसब बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूँ, यहाँ तक कि हजरत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि ये नौजवान तुम्हारे साथ कौन है। कहा ये जिब्राइल हैं, ये मिकाइल हैं, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले, मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी माँ को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी माँ जनाबे आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं, जनाबे आमना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाबे आमना को सिर्फ ये खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हों कि मेरी माँ कौन है, औरतों के हजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुँचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है, ये इसलिए है कि आज मक्का में बाज यहूदी आए हुए हैं, अगर ये वाकया उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गईं, यहां तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेकर आती हैं। मुआहदे की मियाद पूरी हो चुकी है, खुद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे आमना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुख्सत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी माँ और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी माँ के साथ और रहे, यहाँ तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाबे आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मरतबा तड़प उठी, सुबह आँख खुली तो अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाज़त तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है, मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। चुनाचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद जनाबे आमिना अपने बेटे और अपनी एक कनीज जनाबे उम्मे ऐमन और सवारी के 2 ऊंट और जरूरत का सामान लेती हैं। ये मुख्तसर सा काफिला मक्के से मदीना के लिए रवाना होता है। सफर तय करने के बाद ये काफिला मदीना में कबीला बनू नजार में पहुंचा। ये खानदान पैगंबर इस्लाम का ननियाल खानदान है और यही वो कबीला था कि जब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर मारूफ कसीदा तला अल बद्र अलैना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाबे आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रहीं, उसी मकान में ही ठहरी जहां हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहां गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया, मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंची कि मकामे अबवा आ गया। यही वो मकाम है जहां हजरत आमिना इतनी बीमार हो गई कि आगे सफर करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफिला रोका गया, जनाबे आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि जनाबे आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद माँ की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मकाम पर दफन किया गया और जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चली। तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही, इसीलिए जब सुलह हुदैबिया के लिए पैगंबर इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मकामे अबवा के करीब से गुजर हुआ। चुनाचे वहां से गुजरते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि काफिले का रुख मोड़ा जाए, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुँची और उनको उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। 118 साल की उम्र है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की, ज़ईफ़ी का आलम है, लेकिन पैगंबर इस्लाम को अपनी कफालत में लिया। 1 साल तक पैगंबर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे और इसी साल में वो वाकया पेश आया जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बयान किया था। यहूदियों ने रसूल खुदा की दावत की और ये इरादा किया कि हराम खिलाकर देखें कि ये रसूल है कि नहीं और नाकाम हो गए। जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब 119 साल के हुए तब एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें पैगंबर इस्लाम के पास कुछ ऐसे तोहफे आए जो पैगंबर इस्लाम की सारी जिंदगी पैगंबर के साथ साथ रहे। वो वाकया ये था कि उसी जमाने में यमन के हाकिम सैफ ने मक्के पर कब्जा कर लिया और मक्के को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उन दिनों मक्का में नहीं थे, जब वापस आए तो पता चला कि ये वाकया पेश आया है। मक्के वालों की सलामती अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कहा कि मैं खुद हाकिम यमन से जाके बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि ये खुदा का मोहतरम शहर है, यहाँ वालों पर ना कोई टैक्स लगाया जाए ना जुल्म किया जाए,
अपने एक मुख्तसर से वफ्द को तैयार किया और मक्का से यमन चले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आदत में ये शामिल था कि जब कहीं जाते थे तो रसूल खुदा को साथ नहीं लेकर जाते थे, इसलिए कि मक्का मेरा शहर है, यहाँ पे हम हिफाजत कर सकते हैं। मक्का के बाहर अगर खुदा न खास्ता कोई हमला हो जाए तो हिफाजत मुमकिन नहीं, बल्कि ये इत्मीनान भी होता था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा अबू तालिब मेरे पोते की हिफाजत करेगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद हजरत अबू तालिब का तरीकाकार इसके उलट हो गया। आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो रसूल खुदा को अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि अब पीछे मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में रसूल खुदा की हिफाजत करता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन जब पहुंचे तो वहां का हाकिम सैफ छुट्टी मनाने गया हुआ था। उस हाकिम का तरीका ये था कि मौसम बहार में ईद नौरोज से 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने लगाया हुआ था और उस बाग के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल बनाया गया था जिसके कई दरवाजे थे। 40 दिन तक उसी महल में जाके बैठ जाता था और सिपाहियों को सख्त तरीन हुक्म था कि किसी को मेरे पास ना आने देना, चाहे मेरे अपने बेटे ही क्यों ना हो। 40 दिन सारे उमूरे ममलिकत से छुट्टी पाकर ये आराम करता था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि हाकिम यमन छुट्टी मना रहा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि मुझे मक्का जाकर अपने उमूर को संभालना है, 40 दिन तो यहाँ नहीं रुका जा सकता, और इसके बाद भी पता नहीं कि हाकिम कितने दिन और रोक ले। आखिर ये देखा कि बाग के रास्ते से तो जाना मुमकिन नहीं, मगर सहरा के रास्ते से जो बिल्कुल वीराना है उस तरफ जो दरवाजा है वहाँ से जाया जा सकता है। महल के दरवाजे पर पहुँचे, सिपाही से कहा कि जाके बताओ कि मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सिपाही ने इनकार कर दिया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुँचाया तो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुना तो 100 सुर्ख अशरफियां अपने थैले से निकाली और उसके हवाले की कि ये मेरी तरफ से इनाम है और ये मेरा वादा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगर नुकसान पहुंचे तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नुकसान को मैं पूरा करूंगा। अब जब 100 अशरफियां देखी तो वो भी एक लम्हे के लिए भूल गया कि कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा हूं। महल के अंदर गया, जाने के बाद देखा कि हाकिम महल के बीच में बैठा है। कहा कि एक इंतहाई मुकद्दस और ज़ईफ़ शख्स मक्के से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। हाकिम यमन सैफ ने सुना, ऐसा लगा कि उसे भी किसी आने वाले का इंतजार था, वरना ये हाकिम वो था कि जिसका हुक्म था अगर मेरे बेटे भी मेरे पास आए तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नंगी तलवार रखी भी हुई है, लेकिन उस वक्त ये सुनने के बाद कि एक अजनबी शख्स मक्के से आया है तो ये सुनकर कहता है कि जाओ उसे बुलाकर लाओ। ये जुमला बता रहा है कि हाकिम ने मक्के पे कब्जा किया तो उसका कोई मकसद था और अब गालिबन उसे इंतजार था कि मक्के से जरूर कोई मेरे पास आएगा। सिपाही ने महल के दरवाजे पर जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आइए। सिपाही खुद हैरान है, उसे यकीन नहीं आ रहा। अब जब पैगाम देके आ गया तो सोच रहा है कि मैंने कितनी बड़ी हमाकत कर दी, मगर यकीन नहीं आ रहा कि आज क्या मौजदा हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर महल के अंदर पहुंचा। हाकिम यमन महल के अंदर बैठा है, एक पहलू में नंगी तलवार है, एक पहलू में शराब का जाम है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, खड़े होकर इस्तकबाल किया, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मक्के से आया हूँ और मक्के वालों के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे तो बाद में सुनूंगा, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अंबिया के सहीफों से एक इल्म पहुँचा है कि मक्के में अनकरीब खुदा का आखिरी रसूल जाहिर होने वाला है और ये आखिरी रसूल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका होगा, कुछ अरसे के बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा, इसके बाद उसका दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा। जब वो दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा तो एक मरतबा वो दादा मुझसे मिलने आएगा और मेरे पास अंबिया की जानिब से 3 अमानतें उस रसूल के लिए रखी हुई हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मक्का में वो कौन है जो आके मुझसे ये अमानत ले जाए। ये भी याद रखिए कि उस बच्चे की पहचान ये है कि उसके दोनों कांधों के बीच एक मोहर नबुव्वत लगी हुई है जिसपे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बच्चा आपको मक्के में नजर आए तो आप फौरन मुझे आकर पैगाम दें क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि ये किस बच्चे का तज़किरा हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कहें। ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरा पोता है, कहीं हाकिम ये न समझ ले कि अमानत का नाम सुनकर अपने आप को कह दिया, और ये वादा भी नहीं कर सकते कि जब वो बच्चा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक तरह से गलत वादा है। बैठे हुए हैं, सैफ मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, फकत इतना ही नहीं, मेरा अंदाजा ये है कि उस बच्चे के दादा आप ही हैं और वो बच्चा इस वक्त आपके घर में पैदा हो चुका है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, जो अलामतें आपने बताई हैं उन अलामतों के मुताबिक तो मेरा पोता है और मुझे ये भी पता है कि मेरा पोता अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा कि अच्छा, कल दरबार में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पे मैं आपसे तफसीली बातचीत करूँगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रुख्सत होकर बाहर आ गए और यमन में जिस जिसको ये इत्तला मिली सब ने एक मरतबा हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबा ली। ये कैसे मुमकिन है कि इन दिनों में कोई आदमी जाए और जिंदा वापस आ जाए? और इससे ज्यादा हैरत अगले दिन हुई कि 40 दिन से ज्यादा हाकिम शहर वालों से कट जाता था, लेकिन अब महल से बाहर निकल आया। अगले दिन दरबार सजाया गया और दरबार में बाकायदा मक्के के वफ्द को शाही मेहमान की हैसियत से बुलाया। हाकिम ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अपने पहलू में बिठाया और सारे वफ्द में भारी इनामात तकसीम किए। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे हैं कि अब वो अमानतें कब मिलती हैं। हाकिम ने कहा कि रात की बात है जो मैं दरबार में सबके सामने नहीं कह सकता, शाम को आप मेरे महल में आइए, जब आपको रुख्सत किया जाएगा तो ये अमानतें आपको दे दी जाएंगी। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इंतजार है। शाम का वक्त आया
हजरत अब्दुल मुत्तलिब शाम को महल में गए तो हाकिम यमन ने 3 जानवर पेश किए। कहा कि ये 3 जानवर मेरी तरफ से आपके उस पोते के लिए तोहफा है कि जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, और अगर मैं जिंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूंगा। हाकिम यमन एक ऊँटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा तोहफे में पेश करता है। ये ऊँटनी तारीख इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था वो इसी ऊँटनी के ऊपर सवार होकर दिया था, जो हाकिम यमन की तरफ से रसूल खुदा को मिली थी। ये तीनों जानवर पैगम्बर इस्लाम के साथ मदीने में भी थे। चुनाचे तारीख बताती है कि जब पैगम्बर इस्लाम हिजरत करके गए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पे सलाया गया और एक और जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई कि खानदान बनी हाशिम की जो औरतें हैं जिन्हें रसूल खुदा अपने साथ लेकर नहीं गए थे, उन्हें और इन जानवरों को और खानदानी तबरुकात को लेके मुझसे मदीने में मुलाकात करना। तो ये पैगम्बर इस्लाम के पास वो तोहफे थे कि जो हाकिम यमन के जरिए उन तक पहुँचे और आखिरी वक्त तक पैगम्बर की खिदमत में रहे। हाकिम यमन ने बताया कि ये घोड़ा परवरदिगार आलम की जानिब से एक मौजज़े के नतीजे में वजूद में आया, और इस ऊँट के बारे में भी रिवायत है कि ये खासो खास तोहफा पैगम्बर इस्लाम के लिए बनाया गया। हाकिम ने तीनों जानवरों के बारे में बताया कि इस ऊँटनी पर मैं अगर 6 महीने भी सफर करूं तो ये थकती नहीं है और अपने सवार को परेशान नहीं करती। घोड़ा ऐसा बाबरकत है कि मैं जिस जंग में भी इस पर सवार होकर गया कभी मुझे शिकस्त नहीं हुई और मेरे कदम पीछे नहीं हटे। खच्चर ऐसा है कि इसके ऊपर सवार होकर अगर तफरी की जाए तो इंसान की तफरी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। ये खासो खास 3 तोहफे हैं, ये आप इस साल अपने साथ ले जाएं। आइंदा साल जब आप तशरीफ लाएं तो एक और अहम तरीन राज है जो अंबिया के सहीफों में है और मेरे सीने में महफूज है। मैं वो आप तक पहुँचाऊंगा ताकि आप फिर अपने खानदान वालों को ये राज बताएं। अपने पोते की हद से ज्यादा हिफाजत करें। आइंदा साल मुझसे जरूर मुलाकात करें और मेरा ये अकीदा सुनते जाएं कि मैं आपके पोते की नबुव्वत पर ईमान ला चुका हूं और अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उनकी मदद करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुदा हाफिज कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खुशी के आलम में वापस आ रहे हैं, मक्का के करीब पहुंचते हैं। एक मरतबा मक्का वालों को पता चला कि हमारे सरदार हाकिम यमन से बातचीत करके आ रहे हैं। सारा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। पैगम्बर इस्लाम साथ हैं, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए और मक्के वाले आगे बढ़ गए। जैसे ही ये इस्तकबालिया हुजूम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को नहीं देखा, पहला सवाल किया कि मेरा पोता कहाँ है। अब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, पता चला कि वो तो रास्ते में एक जगह आराम के लिए बैठ गए थे। हम आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक कि अपने अब्दुल्ला की निशानी की ज़ियारत न कर लूं। सबको हटाकर आगे बढ़े और खुद पैगम्बर इस्लाम के पास पहुंचे। कहा कि ये 3 तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। पैगम्बर इस्लाम ने इंतहाई खुशी के साथ उन तोहफों को कबूल किया। हाकिम यमन को दुआ दी और इसके बाद सारी जिंदगी ये तोहफे पैगम्बर के साथ साथ रहे। ये पैगम्बर इस्लाम की उम्र के 7वें साल का वाकया है। एक साल गुजरा, पैगम्बर इस्लाम 8 साल के हो गए। इसी दौरान मक्का में कहत पड़ा और ऐसा कहत के लोग दाने दाने को मोहताज होते जा रहे थे। हजरत हाशिम की एक पोती थी यानी पैगम्बर इस्लाम की रिश्ते की फूफी। उन्होंने एक मरतबा ख्वाब में ये देखा कि जब तक तुम अब्दुल्ला के यतीम के जरिए से दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक मक्का वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकती। खानदान बनू हाशिम के लिए तो ये कोई मसला ही ना था। अगले दिन ये ख्वाब जब मक्का में फैला तो सब तैयार हो गए। पैगम्बर इस्लाम को आगे आगे लेकर चले और मक्का के बाहर जाकर पैगम्बर ने दुआ मांगी। बारिश तो हुई मगर अबू जहल वगैरह जो पहले ही से हसद के मारे तड़पे जा रहे थे कि सारे एजाजात इस खानदान को मिल रहे हैं, एक मरतबा उनके हसद में और इजाफा होता चला गया। 8वें साल में पैगम्बर इस्लाम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 8 साल और 8 महीने पैगम्बर इस्लाम की उम्र है। वो वक्त करीब आ रहा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो जाएगा। वापस जाना चाहते हैं मगर परवरदिगार आलम गालिबन उस रात को रात ही रखना चाहता है। खुदा जाने हाकिम यमन क्या बात कहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन जाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़े और मक्का में ही आखिरी वक्त आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि खानदान के लोगों ने तय किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब मुंतकिल किया जाए। चुनाचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब लाया गया और उनके लिए एक मसनद को बिछाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस पर लिटा दिया गया। खाना खुदा के दरवाजे के करीब हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बेचैनी से चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। पैगम्बर इस्लाम भी पीछे पीछे आ रहे थे। जब यहाँ पहुँचे तो सीधा आगे बढ़कर उस मसनद पर कदम रखा। अबू लहब जो रसूल खुदा का चचा था उसने सोचा कि मौका गनीमत है, आगे बढ़कर पैगम्बर इस्लाम को रोका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो गशी की हालत में है एक मरतबा आंखें खोली, चारों तरफ देखा, ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं, जवाब ना दिया, फिर चारों तरफ देखा, निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अबू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे बेहोशी के करीब हैं, जुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अबू लहब को डांट कर कहा कि खबरदार आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया हुआ था। अबू लहब ने अपनी तौहीन महसूस की मगर क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मेरे पोते को आगे लाया जाए, इसकी वजह से मैं बेचैनो बेकरार था। पैगम्बर इस्लाम आगे आए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पे सुलाया, कहा कि अब मुझे करार आ गया।
हुक्म दिया कि कुरा डाला जाए कि अब मेरे बाद मेरे इस पोते की निगरानी कौन करेगा। कुरा डाला गया, हजरत अबू तालिब का नाम आया। हजरत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिली और इससे बढ़कर ये सआदत कि अब पैगंबर इस्लाम उनके घर में परवरिश पाएंगे। एक मरतबा हजरत अबू तालिब को आगे बुलाया और करीब बुलाकर वसीयतें की और सबसे पहला अहद ये लिया कि खुदा की कसम खाकर ये अहद करो कि अगर मेरे इस पोते पे किसी वक्त कोई मुसीबत का वक्त आया तो तुम अपने माल, इज्जत, जान और औलाद तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। अबू तालिब, जिनका तो खुद एतकाद यही है, अपने वालिद से खाना खुदा के सामने कसम खा के ये अहद करते हैं। और इसके बाद दूसरी नसीहत कि बेटा, वैसे तो तुम्हें सबसे बचाना है मेरे इस पोते को, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हासिदों से होशियार रहना। हजरत अबू तालिब ने अहद किया कि मेरी जानों औलाद से भी ज्यादा कीमती है मेरा ये भतीजा। हजरत अबू तालिब के हाथ में पैगंबर इस्लाम का हाथ दिया। इसके बाद आवाज दी कि ए कुरैश वालो, क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। सारे कुरैश ने कहा कि आपकी वजह से हम साहिब इज्जत हो गए, आपकी वजह से सारा अरब हमारा एहतराम करने लगा, आपका हमारे जानो माल पे हक है। कहा, बस मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हुक्म की अतात करते रहना। सारे कुरैश ने यकजुबान होकर कहा, हमारा आपसे ये वादा है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चारों तरफ देखते हैं। हजरत अबू तालिब सवाल करते हैं कि क्या बात है। कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी बेटियाँ मेरे सरहाने हों और मुझ पर गिरिया करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ। कुरैश के दूसरे लोगों को जरा दूर किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियाँ थीं, यानी पैगम्बर इस्लाम की 6 फुफियाँ थीं। उन सब को बुलाया गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बेटियाँ शायरी जानती थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम्हारे गिरियाओजारी के दरमियान इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। एक एक बेटी अपना लिखा हुआ मरसिया पढ़ती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुकून आता जा रहा है, यहाँ तक कि 6 बेटियों ने अपने मरसिये खत्म किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगम्बर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया जो दादा के सीने पर लेटे हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख ये बताती है कि सारे मक्के ने सही मानों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सोग मनाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद पैगम्बर इस्लाम अपने चचा अबू तालिब के घर में मुंतकिल हो गए। हजरत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिल गई और पैगम्बर इस्लाम भी हजरत अबू तालिब के घर आए। हजरत अबू तालिब के घर पैगम्बर इस्लाम जब तशरीफ लाए तो हजरत अबू तालिब उस इज्जत एहतराम का अभी से मुजाहिरा शुरू कर देते हैं कि जो आम मुसलमानों ने ऐलान रिसालत के बाद शुरू किया। अपने बिस्तर पे साथ सुलाते हैं, एक ही लिहाफ में साथ रखते हैं ताकि किसी दुश्मन का हमला ना होने पाए। घर में खास तौर पर हुक्म है कि जब तक मेरा भतीजा खाने के लिए दस्तरखान पर ना बैठे, खबरदार कोई घर वाला खाना नहीं खा सकता। सारे का सारा खाना पैगम्बर इस्लाम पर मुनहसर है। यहाँ तक कि तारीखों में है कि अगर किसी दिन पैगम्बर इस्लाम का खाना खाने का दिल नहीं चाहा तो अबू तालिब का हुक्म होता कि आज मेरे घर में खाने का दस्तरखान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करें, ये मुझे कबूल है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे भतीजे के हाथ डाले बगैर किसी खाने को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डालता है या मस्त करता है तो बरकत ही बरकत हो जाया करती है। इधर अबू तालिब के ये अहकामात हैं, उधर उनकी ज़ौजा मोहतरमा जनाबे फातिमा बिनते असद भी कहती हैं कि मैंने मुसलसल मौजदात पे मौजदात देखे। फरमाती हैं कि हमारे घर में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। एक दिन रसूल खुदा मकान के सहन में दाखिल हुए, सहन में आकर किसी काम से दरख्त के करीब रुक गए, दरख्त पे हाथ रखा। जैसे ही दरख्त पर हाथ रखा तो दरख्त में ताज़ा खजूर पैदा हो गए। दरख्त सूखा है, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूर पैदा हो गई। जनाबे फातिमा कहती हैं कि अब के बाद उस दरख्त का ये तरीका हो गया कि दिन में कम से कम एक मरतबा उसमें खजूरें जरूर आया करती थी और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया और खजूरें नहीं दी। अब परेशान, क्योंकि आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा मकान में दाखिल हुआ। मैंने उसे एक तरह की शिकायत की कि इस दरख्त को क्या हो गया है, इसने खजूरें देना बंद कर दी हैं। इतना सुनना था कि मेरा भतीजा आगे बढ़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जनाबे फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि दरख्त की शाखें झुकी, पैगम्बर इस्लाम के चेहरे के करीब आई। पैगम्बर इस्लाम ने उसे कुछ कहा तो उसमें ताज़ा खजूरें आ गईं और मेरे भतीजे ने कहा कि चची, अब इसके अंदर खजूरें ना होने की कभी आपको शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर मेरा भतीजा तो आगे बढ़ गया। मैंने एक मरतबा अपने हाथ उठाए, परवरदिगारा, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिसल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा तो मुझे यकीन था कि ये जरूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगम्बर इस्लाम के मौजज़े को देकर मांगी थी। अब पैगम्बर इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अबू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाकियन माँ बनकर पैगम्बर इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।